अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरात वार्ड क्रमांक 5 मधील पहुर गल्लीतील नागरिक खराब रस्ते, अंडरग्राउंड गटारींचे फुटलेले पाईप तसेच चेंबर ब्लॉक अशा समस्यांनी त्रस्त झाले आहेत। भुयारी, गटारी, पाईपलाईन या कारणांसाठी वारंवार रस्त्यांचे खोदकाम करून पुन्हा रस्त्याची सुधारणा न झाल्याने या परिसरातील रस्त्यांवर चालणे देखील अवघड झाले असून फुटलेल्या गटारींमधील पाणी रस्त्यावर वाहत असल्यामुळे फार मोठी दुर्गंधी पसरली आहे। याबद्दलच्या वारंवार लेखी व तोंडी तक्रारी करून देखील त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे तेथील नागरिकांनी जामनेर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले होते, परंतु अद्यापपर्यंत समस्या मार्गी न लागल्याने प्रशासनाने लवकरात लवकर रस्त्याची व गटारींची दुरुस्ती करून देण्याची मागणी पहुर गल्लीतील रहिवासी करत आहेत। तोंडी बोलो सीओ साहब आया हमारी गली में, सीओ साहब को हमने बताया होकर, फिर भाई सीओ साहब को यहाँ होकर बताए गडरा ऐसे उबल रहे ऊपर आ रहे, चेंबरों का पानी गडरा में से घर में आ जा रहा, किसका कनेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, ये 3-4 साल से तकलीफ है। ये एक साल के लिए 3-4 साल से तकलीफ है। 3 इंच 5 इंच 4 इंच के गड्ढे खोदते वो लोग ऊपर निकालते ना, उसके पीछे शासकीय हद भी रहता ना, कर्मचारी के पीछे कोई शासन का हद भी रहता, देख रेख को ना कुछ रहता, ये ठेकेदार को भी काम दे दिए ले, मैं तो ठेकेदार जैसा कर रहा वैसा कर रहा। मदनी नगर में भी क्या हुआ, क्या बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए 5-5, 6-6 फुट के, जबकि काम के नियम ऐसा है कि जो चारी वो उन्होंने पाइपलाइन का गड्ढा करे वो गड्ढे को पहले प्रेस करने के बाद में उसके ऊपर रोलर घुमाने का, फिर रोड बनाने का, उन्होंने क्या करे वो पूरा पूरी बना दिए। अभी 15 दिन पहले जो बारिश हुई 5-6 घंटे चली, वो बारिश का पानी जीरा तो वहाँ 5-6 फुट का गड्ढा होगा, और वो गड्ढा उन्होंने भरे, अभी कल से वापस वही गड्ढा और हो गया। भर के यहाँ पूरे परेशानी साढ़े 3-4 साल हो गए। संडास में जा रहा हूँ ना, वापस जा रहा हूँ, इसमें तो संडास में जा रहा, अब संडास से नहीं जा रहा हूँ। और बात तो इतनी आती कह रहे हैं, बात कभी रिटर्न बात नहीं आएगी, एक नंबर बात है। और इसमें काम हो रहा क्या कहना, उधर के सरासर सरासर गली में रहने वालों के ऊपर शासन का दुर्लक्ष्य हो रहा, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। एक मिनट, तुम कमेटी लेने को कम नहीं करते, कोई कर वसूल करने को कम नहीं करते, पूरा नगर पालिका कर ले रही, कमेटी ले रही, घर भाड़े ले रही, लाइट दीवा बत्ती ले रही, तो फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा। मैं ये अर्जे कर रहे अर्जे का कोई उपाय नहीं हो रहा, ये अर्जे करा मैंने, इसकी भी काफ़ी लिया, ये लोगों के सहाय करके बताया, फिर भी कोई हो रहा नहीं। सीओ भी तो आके गए ना यहाँ, सीओ आकर गए, सीओ को नजर से बताई यहाँ पर, सीओ कह रहा है सीओ भी ए, 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, और अभी जो 2 महीने हो गए तो अभी तक का कुछ ध्यान नहीं है। और ठेकेदार को भी मैं बता रहा कि ठेकेदार को काम कैसी क्या दिए जा रहा, ठेकेदार को काम दिए लें तो उसके पीछे कोई शासकीय लोग नहीं है कि वो ठेकेदार काम कैसा कर रहा क्या नहीं कर रहा, क्या सक्सेस है क्या नहीं है, शासकीय लोगों ने उनके, मेरी सरकार से निवेदन है कि वो शासकीय आदमी ने ठेकेदार के पीछे रहने होना काम के वास्ते, जब वो काम कर रहा तो ये काम के पीछे कोई देख रेख नहीं होती, कोई इंजीनियर नगर पालिका का देखने नहीं आता कि क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, और इसको बोलो तो वो कहता कि भाई उनको बोलो सीओ को बोलो तो हाँ हम करते हैं, और कुछ ध्यान नहीं दे रहे, ये ऐसे लोगों को लीजा के गज कर दिया अपने, पर वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब किसके पास जाना, मैं कलेक्टर साहब से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई ये हमारे पे ध्यान दे। कलेक्टर साहब अभिजीत राउत साहब बहुत अच्छे कलेक्टर आए हैं, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छे है वो, और वो शासकीय सही में शासकीय लोग हैं वो, जो पब्लिक के लिए
आए हैं यहाँ पर, पब्लिक का बहुत ध्यान रख रहे हैं और पब्लिक की मांग को हर तरह से पूरी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने जलगांव के सिविल हॉस्पिटल में देखा, वहाँ पर भी बहुत दुर्लक्ष्य हो रहा था डॉक्टर लोगों का, पर उन्होंने कलेक्टर साहब जब से आए तो वहाँ पर भी दो टाइम तीन टाइम साफ सफाई हो रही। तो कलेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि ये हमारे पे भी ध्यान दे और हमारे काम को अंजाम दे दे। हम तीन चार साल से तकलीफ में, हर बात का कर हम पूरा पूरा देते हैं, दर साल का कर हमसे नगर पालिका वसूल करती है, साफ सफाई से लेकर दीवा बत्ती घर भाड़े का ले सब वसूल करती है हमारे से, पर उसका कोई उपयोग होता नहीं और हमारे से पूरा कर वसूल कर जाता पर हमारे कोई मांग पूरी होती नहीं और हमारा कोई काम पूरा होता नहीं। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।